किसान भाइयों, खेती के छोटे छोटे टिप्स वीडियो में आपका स्वागत है। भाइयों, जब बात होती है सब्जी फसलों के उत्पादन की तो अधिकतर किसान लौकी और करेले की खेती करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी मांग और कीमत पूरे साल एक समान बनी रहती है, जिससे किसानों को एक अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे खरीफ में लौकी और करेले की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और जलवायु की। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपनी फसल और मौसम के बारे में सही जानकारी पाने के लिए सयाजी सीड्स की चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, लौकी और करेले की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। शुरुआती विकास के दौरान लौकी व करेले के लिए न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होना चाहिए। इनकी फसलें कम तापमान को तो सहन कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम इनके लिए घातक होता है। बारिश के हालातों में लौकी और करेले के पौधे अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। वैसे तो लौकी व करेले को हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन कार्बनिक पदार्थों वाली रेतीली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अधिक बारिश और बादल वाले दिनों में इनकी फसलों पर रोग और कीटों का खतरा बढ़ जाता है। फसल को सुरक्षित रखने के लिए मचान बनाएं और उसके ऊपर पौधों को चढ़ा दें। खरीफ या बारिश के मौसम में लौकी और करेले जैसी कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती में पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और मोजेक वायरस मिलने की शिकायत आम होती है। ऐसे में रोगों से सुरक्षा के लिए फसलों की कीट व रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें, जैसे लौकी में सयाजी 3510 और सयाजी 3511 तथा करेले में सयाजी 3210 और सयाजी 3211 हाइब्रिड किस्म। किसान भाइयों, अगली बार हम फिर आपके लिए खेती की एक नई जानकारी को लेकर हाजिर होंगे। कृषि से जुड़ी सलाह पाने के लिए सयाजी सीड्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके सवालों और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा।